का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस से। मैम, आप लोगों को ममता बनर्जी मैम ने भेजा है। सवाल यह है कि जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर 38 केसेस हुए और हमारे देश की वो महिला खिलाड़ी जो दुनिया में नाम कर रही हैं और उनको आज सड़क पर आकर बोलना पड़ रहा है कि ऐसे हालात हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो नेशनल प्राइड है, जो रेसलर एसोसिएशन की रेसलिंग खेला की लेकर जगत में हमारा नाम, भारतवर्ष के नाम दुनिया में रोशन कर दिया है, उन लोगों को अभी ये इल्ज़ाम लेके सड़क पे बैठा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। दुख की बात ये भी है, आपको पता है ना कौन है तो मुमकिन है, सबको पता है देश की। तो दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत मन की बात बोलते हैं, न्याय की बात बोलते हैं, इतने सारे घिनौने आरोप पर साथियों खिलाड़ियों जो नेशनल प्राइड है वो सड़क पे बैठे हुए हैं, वो चुप क्यों है? इतने दिन से वो चुप क्यों है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि अमित शाह जी, क्यों जो दिल्ली पुलिस है उनको FIR लेना है? एक कॉम्प्लेन भी अभी तक नहीं लिया गया, ये सब नेशनल प्राइड के बारे में ये हो रहा है, बहुत दुख की बात है। और ममता जी आज सुबह ट्वीट भी किए और आपको तो पता है हर टाइम वो स्ट्रगल की ओर, पीपल की ओर रहते हैं, इसीलिए हम दोनों को इधर भेजे हैं। ये अपरूपा पोद्दार है लोकसभा से, AITC की MP, हम दोला सेन है राज्यसभा की ओर से, AITC की MP। हम दोनों आए हैं सॉलिडारिटी जताने के लिए, कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हम सॉलिडारिटी के लिए इधर आए हैं और बोलने के लिए आए हैं, हम उनके पक्ष में हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड, ये नहीं चलेगा। मैम, आप दोनों मेंबर पार्लियामेंट, एक लोकसभा से एक राज्यसभा से, आप लोगों ने खिलाड़ियों से, महिला खिलाड़ी से खास के बातचीत की है, वो क्या कर रही हैं? वो महिलाओं से जो बातचीत हुई, घंटों से आप लोग हैं, आप लोग खुद मिलने आई, वो लोग क्या कर रही हैं? मैम, आप जरा बताइए। देखिए, हमारे पार्टी के ओर से हम और दोला जी आए हुए हैं, राज्यसभा से दोला जी हैं, हम लोकसभा से हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम देश के नागरिक हैं, देश की बेटी हैं। जिस समय में देश की बेटी सड़कों पे धरना पे बैठी है इंसाफ के लिए, ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है। और भारतीय होने के नाते हम लोगों को काफ़ी दुख हो रहा है कि जो देश का खेल को नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइज देखते हैं, आज वो लोग धरना पर बैठा हुआ है और उनके एक FIR नहीं दर्ज होते हैं। तो देश का कानून कहाँ बन रहे हैं? पार्लियामेंट में होने के नाते जहाँ पर कानून बन रहे हैं, लेकिन अगर कानून सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। आज अगर बेटियों का मन का बात अगर आप नहीं सुन पा रहे तो आपका मन का बात कौन सुनेगा? तो देश का ये हाल हो रहा है, आप कृपया देश का दिल का बात, बेटियों की दिल की बात समझिए और न्याय दीजिए, क्योंकि देश का जो ये घटना है पूरा दुनिया देख रहा है और दुनिया जो है इसको अच्छे तरह से नहीं ले रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको राजपाट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, या नहीं कि जो गलत है उसको आपको समर्थन करना चाहिए। तो ममता बनर्जी की तरफ से हम लोग सॉलिडरिटी जताने के लिए, उनके पास खड़ा होने के लिए हम और दोला भी आए हैं, हमारे वरिष्ठ सांसद हैं और हमारे दीदी ममता दीदी आज ट्वीट किए हैं नारियों के सम्मान के लिए। जहाँ नारियों या साधारण पब्लिक का बात होता है, हमारी दीदी हमेशा आवाज़ उठाते आई है और उठाएगी, और साधारण जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और उठाएगी। मैम, आपसे आखिरी सवाल होगा, आप सीनियर MP हैं, राज्यसभा से हैं, बहुत उदास थी वो महिलाएं खिलाड़ी जो बातचीत कर रही थी, वो शायद कोई रिजल्ट चाहती हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहती है, क्या बातचीत हुई? हमारे व्यूवर से ज़रूर बताइए, खिलाड़ी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो रेसलर नेशनल प्राइड है, जो रेसलर कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में कि एशियड में दुनिया में भारत के नाम रोशन की, मेडल जीते, उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की आरोप जब उनको लगाना पड़े, और किसके खिलाफ? रेसलर एसोसिएशन के चेयरमैन के खिलाफ। इससे दुख की बात और क्या हो सकता है, और वो भी एक MP है उसके खिलाफ। तो फिर भी इसको हम सैल्यूट देंगे कि तब भी इतनी पावरफुल ओपोनेंट होने से भी ये डरे नहीं, ये खिलाड़ियों की तरह सीधा साफ शेर उचा के सीना टान करके इधर बैठ गए इंसाफ चाहने के लिए। तो हमको लगता है
फिर हम यही बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सबक सिखाएंगे, जो अन्याय कर रहे न्याय के पक्ष में सबक सीखेगा। चलो, लगातार महिलाएं सड़क पर उतर रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सड़क पर हैं। बातचीत, थैंक यू।